सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। जी आपने बिल्कुल सही देखा, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो है हिंदू टेम्पल के बारे में। जी हाँ, इस वक्त मैं हूँ सिंगापुर में और सिंगापुर में मैं विजिट करने वाला हूँ एक हिंदू टेम्पल। सो टेम्पल के सबसे पहले क्या करते हैं, टेम्पल के सामने पहले ये रैक रखा हुआ है, मैं ये अपना जूता रैक में उतार देता हूँ। जी हाँ, सिंगापुर में ना बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। सो उस टेम्पल्स को भी अभी आप विजिट कर सकते हो। पहले मुझे लगता था यार सिंगापुर इतनी मतलब मॉडर्न कंट्री है, क्या पता टेम्पल होगी या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने बहुत सारा टेम्पल्स देखा। सो मैंने सोचा उस टेम्पल्स को मैं आपको भी दिखा देता हूँ। और ये रहा टेम्पल, ये टेम्पल का सामने का द्वार है, ये सिंगापुर का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है, सिंगापुर का सबसे ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है। सिंस इट्स कंस्ट्रक्शन इन 1827, 1827 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। शुरुआती दिनों में ये इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए शेल्टर हुआ करता था, मतलब इंडियन जितने भी इमिग्रेंट्स हैं ना यहाँ पे रहा करते थे, वहाँ उनका ये शेल्टर हुआ करता था। सो भाई मैं टेम्पल के अंदर आ चुका हूँ, माँ मरियम्मन टेम्पल है ये। ये आप देख सकते हो टेम्पल का शुरुआती कुछ ऐसा नज़र आता है। और टेम्पल के सीलिंग पे भी आप देख सकते हो देवी देवताओं का फोटो लगा हुआ है। सो ये बेसिकली है टेम्पल का सीलिंग। ठीक टेम्पल के ऊपर देख सकते हैं माँ सरस्वती की फ़ोटो है, इस तरफ है गणेश जी और दूसरी तरफ है शंकर जी। ओपनिंग टाइम है वो है सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, एंड शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक इसका ओपनिंग टाइम है। मरियमन के बारे में ना मुझे भी ज़्यादा चीज़ पता नहीं थी, बट यहाँ के मुझे पता चला कि माँ मरियमन एक्चुअली साउथ इंडिया के कुछ प्लेसेस में, बेसिकली साउथ इंडिया में उनकी पूजा की जाती है बारिश के लिए, मतलब वो बारिश की देवी है। तो बेसिकली बारिश हमारे जीवन में या कह सकते हैं हमारे देश में कितना इंपॉर्टेंट है वो तो हमें पता ही है, एग्रीकल्चर कह सकते हैं हमारे देश का बैकबोन है। सो बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी पूजा की जाती है बेसिकली बारिश के लिए। सो बेसिकली आप देख सकते हो मंदिर का जो आर्किटेक्चर है ना, हमारे दक्षिण भारत में ऐसा आर्किटेक्चर ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और सेम जो टेम्पल है माँ मरियम्मन का, ये सेम टेम्पल मैंने वियतनाम में भी देखी थी एंड मलेशिया में भी मैंने देखी थी, और सिंगापुर में मैं देखकर खुश हो गया।
ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ये बेसिकली है नारियल तोड़ने के लिए। ये जो आप सामने जो टेम्पल देख रहे हो ये है श्री गणेश का। वैसे अभी इंडिया में ना अभी गणेश चतुर्थी वैसे भी चल रही है। ये यहाँ पे एक शिवलिंग है। आपने सो भाई आपने सिंगापुर में हिंदू टेंपल तो देख लिया, हिंदू टेंपल के बाद आता है गुरुद्वारा। सो ये भैया यहाँ पे सिंगापुर, ये भी इंडिया से है भैया, सिंगापुर घूमने आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? अशोक। अशोक कहाँ से है? हरियाणा से। हरियाणा से, हरियाणा अम्बाला। सो ये सिंगापुर में काफ़ी दिनों से है। सो इन्होंने मुझे आज सजेस्ट किया कि चलो गुरुद्वारा चलते हैं। वैसे मैं पर्सनली शेयर करूँ तो गुरुद्वारा विजिट करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये फ्री के लंगर के लिए नहीं, क्योंकि मैं आज तक जब भी गया हूँ मैं उस वजह से नहीं गया हूँ। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, मैं काफ़ी वहाँ पे पीसफुल फील करता हूँ। बांग्लादेश में भी मैं जब गया था तो गुरुद्वारा मैंने विजिट करी थी। सो ये जो गुरुद्वारा आप देख सकते हो यहाँ, ये है गुरुद्वारा, देख सकते हो आप। किसी को अगर आना हो तो कैसे आएगा? यहाँ से बोंकी मेट्रो स्टेशन है, उस पर आप उतरिए, किसी भी गेट से आप बाहर निकलोगे तो सामने आपको गुरुद्वारा दिख जाएगा। अगर आप लिटिल इंडिया की तरफ से आ रहे हो तो सरगुन रोड से सीधा आप बोंकी मेट्रो स्टेशन की तरफ आइए, 2-2.5 किलोमीटर का वॉक है, आप वॉक से भी आ सकते हो। और सेंट्रल गुरुद्वारा के नाम से ये बिल्डिंग है। सिंगापुर में कितना गुरुद्वारा है? सिंगापुर में टोटल 3 गुरुद्वारे हैं, एक गुरुद्वारा यहाँ पर लेवेंडर में है बोंकी मेट्रो स्टेशन के पास, और 2 गुरुद्वारे हमारे लिटिल इंडिया के पास हैं सिमलिम टावर के बैक साइड पे। ये क्या है? सैनिटाइजर है। सो भाई अभी हम जा रहे हैं ऊपर मत्था टेकने, और मत्था टेक के फिर हम जाएंगे लंगर के लिए। तो भाई अभी जैसा कि मैं गुरुद्वारे में आ चुका हूँ और यहाँ पे जो फ्री सेवा है लंगर का, फिलहाल आज मुझे निकलना है मलेशिया के लिए। और यार सिंगापुर में होटल्स में रेस्टोरेंट में खाना खा के मज़ा नहीं आ रहा है, सो गुरुद्वारा में आज ट्राई करते हैं। और चूँकि देख रहे हैं ये यहाँ पे लंगर लगी हुई है। सो भाई जैसा कि आपने देखा वीडियो को मैं शुरुआत किया था टेंपल से और ख़त्म कर रहा हूँ गुरुद्वारे से। सो बस अफसोस इस बात का है कि मैं अंदर वीडियो नहीं कर पाया, जैसे मैं टेंपल में अंदर में अच्छे से वीडियो किया था, मैं गुरुद्वारे में मैं करना चाह रहा था, बट गुरुद्वारे के प्रेमिसेस में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो मैंने वीडियो नहीं करी। बट मैंने विज़िट करी, वही बड़ी बात है और वही अच्छी बात है, क्योंकि गुरुद्वारा मेरा विज़िट करने का कोई प्लान नहीं था, जो भी हुआ इत्तेफाक से हुआ और जो भी हुआ काफ़ी अच्छा हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो ये है फ्रंट है गुरुद्वारे का। सो सेम जैसे बांग्लादेश में मैंने गुरुद्वारा और टेंपल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक वैसे ही। ओके यहाँ पे सिग्नल आ गया। सेम जैसे मैंने बांग्लादेश में गुरुद्वारा और टेंपल दोनों के ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक वैसे ही ये वीडियो भी है टेंपल एंड गुरुद्वारा सिंगापुर। सो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। सिंगापुर के मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं और भी ब्लॉग्स बनाए हैं, सो उसे भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो गुड बाय, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम।